ही बनाता है हर बात को नया वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं तो ख्वाबों की तरह हकीकत में ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं मेरी मेरी आवाज़ के आगे भी सुना जाए मुझे तूफानों में कश्ती सी कोशिश है मेरी तूफ़ानों में कश्ती सी कोशिश है मेरी देख कितनी ख़ाली जा रही है तूफ़ानों में कश्ती सी कोशिश मेरी देख कितनी खाली जा रही है, है। इजहार मोहब्बत से अब तो ना रोक कुछ दिन निकलते फरवरी आ रही है गर चाहत है सच्ची गर चाहत है सच्ची तो निगाहों में ला गर चाहत है सच्ची तो निगाहों में ला बिन कहे आगे बढ़ और बाहों में आ अगर चाहत है सच्ची तो निगाहों में ला बिन कहे आगे बढ़ और बाहों में आ बस हो गया बहुत तेरा इंतज़ार अब बस हो गया बहुत तेरा इंतज़ार अब ये दुनिया मुझ पे हंसी जा रही है इजहार मोहब्बत से अब तो ना रोक कुछ दिन निकलते फरवरी आ रही है थैंक yeah. यू तो हम लोग क्या है टेंशन में अक्सर रहते हैं तो जब भी आप चाहे मोहब्बत से मारे हो या कहीं से हारे हो टेंशन में सबसे ज़्यादा आपके जो मदद करते हैं वो होते हैं आपके दोस्त तो आप दोस्तों के पास जाते हैं उन्हें रीच आउट करते हैं कि भाई कुछ बातचीत कह लें सुन लें और समझ लें तो एक क्या होता है कि एक सपोर्ट बन जाता है एक मनोबल मान देते हैं दोस्त तो मैं मैं भी कई बार ऐसी स्थिति से निकला हूँ तो मैं जो है अपने होम टाउन जाकर दोस्तों को फ़ोन लगाता हूँ तो दोस्त यार बुलाते हैं कि भाई मैंने कहा कि जो है पास में राजस्थानी चाहे इसी पर अच्छा होटल है वहाँ पर मिल लेते हैं लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं यार जब तक चाय टपरी पे बैठ के नहीं होगी तब तक वो विचार नहीं निकलेंगे मज़ा नहीं आएगा तो मतलब अब मैं जाके बैठ गया वहाँ पर जाके और आप विश्वास नहीं मानेंगे जब बातचीत चल रही होती है आप अपने बारे बता रहे होते हैं आज के समय में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कहीं ना कहीं कोई आपका एक दोस्त जो होता है उसमें से इंश्योरेंस एजेंट निकल ही आता है आप कुछ भी कह लें उसमें से इंश्योरेंस एजेंट निकल आएगा अब वो क्या कर रहा है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है उसी बीच में आपके गमों के बीच में तो ऐसे ही मैंने भी एक बातचीत रखी सामने तो मेरा एक दोस्त जो है पहले ने मुझसे आके कहा कि देखो भाई ज़िंदगी में सब कुछ का कारण क्या है वो है पैसा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करते सेव नहीं कर पाते ठीक तरीके से तो जो है उसने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका जो है सबसे बड़ा उपयोग क्या हो सकता है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए उसने अपना प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया इट्स फाइन मतलब मैं थोड़ा सोच रहा था कि वैसे विचार रखूँ कि यूथ थे ना बीच में तो इसी कारण से लेकिन थैंक यू सो मच आपने सुना थैंक यू